जी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है। मैं अपनी माँ को अपनी सारी बात बताती हूँ, मेरी माँ मुझे नए नए कपड़े दिलाती है, मेरी माँ मेरे हर काम में मेरा साथ देती है और मेरी माँ मेरी रक्षा करती है और मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी लगती है। एक माँ बच्चे के लिए मुख्यवान है, मेरी माँ मुझे ज्ञान की बातें बताती है, मुझे मेरी माँ पर गर्व है, मेरी माँ मेरे हर इच्छा पूरी करती है, मेरी माँ चाहती है कि मैं जीवन में सफलता पाऊँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया है, मैं 9वीं क्लास की छात्रा हूँ। मैं आज अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज मातृ दिवस है, माँ सबसे पहले तो बच्चे की शिक्षिका होती है और जब वह हमें छोटी छोटी बातों पर डांटती है तो हमें बुरा लगता है। कभी कभी तो वो हम माँ से रूठ भी जाते हैं तो माँ हमें मनाती है, सुबह सुबह खाना बनाती, हमें उठाती है जब हम लेट होते हैं तो बोलती है स्कूल नहीं जाना बेटा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ को चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं मातृ दिवस पर हमारी माँ को चॉकलेट देती हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। माई नेम इज़ निधि, आई रीड इन 10th क्लास। यू आर द फर्स्ट वूमेन इन माई लाइफ एंड आई एम ग्लैड टू बी नाउ एज यूअर डॉटर। यू हैव नाउ हाउ ए वूमेन कैन हैव अ पेटेंट एंड ओबीडियंटली टू सन द हाउस एंड स्टिल हर ड्रीम्स यू स्टार्टेड योर करियर वाइल विल वेयर एंड मैन बोथ रोज्ड परफेक्टली। आई हैव लर्न टू रिस्पेक्ट वूमेन फ्रॉम you. Today thought this letter I want to tell you how much I love you and no matter how far apart we are you will always remain my mom. I love my mom. करती है। मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं डांटती, मेरी माँ मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, मेरी माँ मुझे पैसे देती है, मेरी माँ मुझे हर चीज़ दिलाती है जो मैं मांगती हूँ, मेरी माँ मुझे रात को पढ़ाती है, मेरी माँ मेरी हर बात सुनती है, मेरी माँ मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाती है। अगर कोई प्रतियोगिता होती है तो वह मुझे अच्छा करने के लिए कहती है। अगर मेरी मैम ने मुझे मुश्किल काम देती है तो मेरी माँ मेरी सहायता करती है। मेरी माँ मुझे अच्छे संस्कार देती है, वो कहती है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अगर हमारे घर कोई आ जाए तो उनको नमस्कार करना चाहिए। मेरी माँ कहती है कि हमें स्कूल समय पर जाना चाहिए, हमारी माँ कहती है कि हमारे लिए खेलना और पढ़ना दोनों ही ज़रूरी है, मेरी माँ कहती है कि हमें फल सब्जियाँ खानी चाहिए, मेरी माँ कहती है हमें हर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम अंशु और मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी प्यारी मम्मी नमस्ते, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आप के हाथों का खाना अच्छा लगता है, मुझे आपकी खुशी अच्छी लगती है, मुझे आपके हाथों की कड़ी अच्छी लगती है, मुझे आपके हाथों में मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपके बाल बनाना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ यात्रा करना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ बाजार जाना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ सामान खरीदना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ नाचना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ खाना पसंद है, मुझे आपके साथ खाना बनाना पसंद है, मुझे आपके साथ बर्तन साफ़ करना पसंद है, मुझे आपके साथ साफ़ सफाई करना पसंद है। थैंक यू। एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस आज हमारे स्कूल में जिसका नाम है SJS गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलाना, बच्चों ने अपनी मदर्स को लेटर लिखे
इसमें प्राइमरी क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे शामिल हुए और बच्चों ने काफी उत्सुकता से अच्छे पत्र लिखे और घर ले जाके अपनी मदर्स के कमेंट्स भी ऊपर लिखवाए। और ये एक नई जो ना चीज है उनकी इम्प्रूव हो जाती है, दूसरा उनकी जो कल्चरल वैल्यूज है वो एनहांस हो जाती है, अपनी माँ के बारे में उनको ज्ञान होता है, वो अपनी माँ के बारे में क्या उनकी फीलिंग है। तो आज बच्चों ने काफी जो ना आपने स्पीच देखे होंगे बच्चों के, अपनी माँ के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसमें प्राइमरी क्लास के दो विद्यार्थी थे, 6 to 8 के दो तीन विद्यार्थी थे, 9 to 12 के दो तीन जो विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। तो बच्चों ने आज बहुत ही अप्रिशिएबल काम किया है जिसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ उन अध्यापकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस काम में उनका हाथ बटाया, उनको गाइड किया, उनको लिखने के लिए प्रेरित किया। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, किसी भी विद्यालय में ये चीजें सेलिब्रेट होनी चाहिए। और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलाना में तो हम हर वो त्योहार, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, 30 हो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, होली हो, ईद हो, गुरु ग्रंथ साहिब जयंती हो, तो ये सारी चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं और इसी प्रकार बच्चों को इंस्पायर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।